वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। सो गाइस, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलब जो भी इंजीनियर्स हैं या जिसको अपने घर बनाना है, या अगर मान लो कोई इंजीनियर बन जाता है फिर उसके घर वाले पूछते हैं अगर इतना घर ये घर बनाना है 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 का, 3000 का, तो क्या खर्चा आएगा गाइस। सो उसी चीज़ को आज हम लोग थंब रूल से निकालेंगे गाइस। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था थंब रूल, क्या थंब रूल्स हैं कंस्ट्रक्शन में, अपने बिल्डिंग मटेरियल में क्या कॉस्ट क्या है, तो एक थंब रूल का वीडियो मैं रहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए जाके। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे गाइस आपके पास वीडियोज़ नहीं पहुँचेंगी। ये सारी टाइप की वीडियोज़ मैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ गाइस। सो आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो अपना नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे। सो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना कितना है गाइस, एग्जांपल आज हम लेते हैं, हम लोग कितना खर्चा आएगा घर बनाने में, कितना मटेरियल लगेगा, हम लोग थंब रूल से निकालने वाले हैं। सो एग्जांपल ले लिए गाइस, अपना कितना हो जाएगा, अपना 1000 स्क्वायर फीट का अपना एक एग्जांपल ले लीजिए। तो आपका जो भी स्क्वायर फीट रहेगा गाइस, 1500 है या 2000 है या 1200 है, तो आप इसी जगह पे सिर्फ 1000, 1500, 1200 जो आपका है वो आप पुट करेंगे तो आपका रखेंगे तो आपका मटेरियल का कॉस्ट या मटेरियल निकल जाएगा। ओके गाइस, सो जो सबसे पहले तो हम लोग विथ मटेरियल भी काम दिया जाता है गाइस, कि मटेरियल के साथ करें, मतलब शटरिंग, स्टील का, कंक्रीट, एग्रीगेट, सैंड, सब कुछ ले उसका कॉन्ट्रैक्टर का, और लेबर पे भी काम दिया जाता है। सो गाइस, जो अपना लेबर, आज हम लोग बात करेंगे लेबर पे। तो अपना लेबर का रेट क्या चलता है गाइस, 300 से अपना 340 तक चलता है। तो आज हम लोग जो हमारे मेरे एरिया में जो गाइस चल रहा है वो क्या चल रहा है, अपना 320 रुपये अपना लेबर चार्ज। उसमें क्या क्या आ गया लेबर का, शटरिंग, स्टील, ब्रिक्स, टाइलिंग, एवरीथिंग, इसमें सब कुछ आ गया। तो अपना 320 रुपये के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट का कितना हो जाएगा, 320 × 1000, तो अपना क्या हो जाएगा, 320,000 क्या हो जाएगा, 320,000। तो अपना लेबर चार्ज जो घर बनाने का हो गया वो 320,000 हो गया। उसके बाद मैं प्रीफर करूँगा गाइस, जब भी आप अपना घर बनाएं, आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर किससे भी एक बार बात करके, प्लानिंग उससे लेके, प्लान बनवा के उससे ही काम करें गाइस। तो उससे क्या हो रहेगा, आपका प्रॉपर वर्क होगा, प्रॉपर काम होगा, एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर होगा। ओके, सो उसका बहुत ज़्यादा नहीं गाइस, 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, कहीं 10 रुपये भी, कहीं 8 रुपये भी, कहीं कोई रहता है तो उससे आप, या तो अगर प्रीफर करें तो कोई नया स्टार्टअप है, कोई नया आर्किटेक्ट है, कोई नया, उससे भी ले सकते हैं, अपना सस्ते में काम हो जाएगा आपका गाइस। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का खर्चा आता है। ये हो गया अपना लेबर चार्ज और आर्किटेक्ट या इंजीनियर का फ़ी। ओके, तो अपना अभी सबसे पहला, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गाइस, जो अपना आता है वो आता है सीमेंट का। ओके, सीमेंट का आता है, उसके बाद सीमेंट का जो थंब रूल मैं बताया था 0.45 है, 0.42 जो भी है, तो आप अपना एक पकड़ के चलिए 0.4 से 0.5 तक। तो 0.545 में पकड़ता हूँ तो अपना कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 × 0.45 तो कितना हो जाएगा अपना, 450 बैग अपना कितना हो जाएगा, ये 450 बैग अपना क्या लगेगा, सीमेंट बैग। तो अपना क्या निकल गया, सीमेंट 0.45, थंब रूल क्या बोलता है, 0.45 बैग पर स्क्वायर फीट लगता है। उसके बाद क्या है अपना, स्टील। अभी स्टील अपना क्या है इस फोर मैं उसमें बताया था, 4 kg पर स्क्वायर फीट से 5 kg पर स्क्वायर फीट लगता है। ओके, तो अभी अपना ये 1000 स्क्वायर फीट का गांव का या जो भी छोटा घर है, ग्राउंड फ्लोर है सिर्फ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2.6 से 3 या 3.5 तक अपना लगता है। तो 2.6 kg पर स्क्वायर फीट अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, थंब रूल जो बोलता है वो 2.6 kg पर स्क्वायर फीट। तो अपना 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो कितना हो जाएगा अपना, 2.6 × 1000 तो कितना हो जाएगा अपना, 2.6 मैट्रिक टन या फिर 2600 kg। ओके गाइस, तो अपना सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जो मेजर आइटम होता है गाइस घर बनाने के लिए, वो स्टील और अपना स्टील और अपना सीमेंट होता है, ये हो गया। उसके बाद अपने को क्या लगेगा गाइस, वो लगेगा सैंड। अभी सैंड का क्या है गाइस, अपना थंब रूल 1.22 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट अपने को क्या लगता है, सैंड लगता है। तो अपना 1.22 × पर स्क्वायर फीट बोला है तो अपना 1000 स्क्वायर फीट 1.22। अभी आपका 1000 रहे, 1500 रहे, 1200 रहे या 2000 रहे, तो आप यहाँ पे 2000 रख देंगे तो इंटू 1.22 कर देंगे तो आपका सैंड मिल जाएगा। तो अपने को क्या सैंड, कितना सैंड लगने वाला, 1220 क्यूबिक फीट। ओके, अभी सैंड हो गया अपना, अब आ गया एग्रीगेट। अब एग्रीगेट मतलब मेटल 1, मेटल 2, ये सब चीज़ें, तो या 2 नंबर खड़ी, 1 नंबर खड़ी, वो सब।
तो अपना कितना लगता है 1.35 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट। ओके, तो अभी क्या रेट चल रहा है अपना, अपना क्या कितना लगने वाला है, 1000 स्क्वायर फीट का अपना एरिया है 1000। अब आपका 1200 है, 1500 है, 900 है, 500 है, तो आप इंटू 1.35 क्या हो जाएगा अपना 1350 क्यूबिक फीट। ओके, अपना क्या हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, सेंट हो, एग्रीगेट हो गया। अभी बांधकाम के लिए अपने को पार्टीशन वॉल के लिए क्या लगेगा, ब्रिक्स लगेगा। अब ब्रिक्स कितना लगता है, तो एज पर थम रूल गाइस 9.5, 10, 8, मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा गाइस। क्या रहेगा अपना 9.5 नंबर्स पर स्क्वायर फीट अपना क्या लगता है, ब्रिक्स लगता है। तो अपना 1000 स्क्वायर फीट है इंटू 9.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9500 ब्रिक्स लगेगा। ओके, ब्रिक्स के बाद अपना क्या आ जाएगा, फ्लोरिंग का आइटम आ गया, टाइल्स आ गया। ओके, तो टाइल्स कितना लगता है गाइस, एज पर थम रूल 0.73 पर स्क्वायर फीट। ओके, तो 1000 स्क्वायर फीट है अपना अपना एरिया इंटू 0.73 कितना हो जाएगा, 730 स्क्वायर फीट अपने को टाइल्स लगेगा। अब वो टाइल्स का जो भी साइज़ हो गाइस, 1x1 हो, 2x1 हो, 2x2 हो, 2x3 हो, 1.5x1x1 हो, तो अपने को 0.73 स्क्वायर फीट अपने को एक स्क्वायर फीट में लगता है। तो अपना 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 × 0.73 के, तो 730 स्क्वायर फीट अपने को टाइल्स लगेगा। उसके बाद गाइस घर को इंटरनल एक्सटर्नल पेंट भी करना है, सब कुछ हो गया, तो अभी पेंट करना है, तो पेंट का हो गया अपना 0.13 लीटर एज पर थंब रूल लगता है। तो अपना 1000 स्क्वायर फीट है गाइस, 1000 स्क्वायर फीट 0.13 130 लीटर अपने को पेंट लगेगा। ओके, अब ये सब कुछ हो गया गाइस, अभी ना लास्ट क्या बचा अपना, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक और वुड का आइटम जो भी हो गया, तो वो अपना क्या लगता है, वह 120 रुपया एज पर थंब रूल। उसमें प्लम्बिंग आ गया, उसका टैप, आपका नल, उसके बाद जो भी आता है वो इलेक्ट्रिक का जो भी काम हो गया, बोर्ड हो गया, वायरिंग हो गया, फिर वुड का जो भी थोड़ा बहुत काम आ गया, तो वो अपना 120 पर स्क्वायर फीट लगता है। ओके, तो अभी यही चीज़ को गाइस अगर मैं निकालूँ, यही चीज़ को मैं अगर आपको कितना लगेगा करके वो मैं एक रेट पे कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो अपना कितना हो जाएगा, ये जो ये क्वांटिटी है गाइस, ये उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। और जो भी आपका रेट रहेगा गाइस आपके एरिया में, रेट डिफर्स एवरी प्लेस टू प्लेस। ओके, अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 360 रुपया सीमेंट चल रहा है, अल्ट्राटेक ACC 360 प्लस GST चल रहा है। तो आप जहाँ रहते हैं गाइस वो हिसाब से अपना मटेरियल रेट यहाँ पे डालेंगे तो आपको आपका कॉस्ट मिल जाएगा। अभी सीमेंट है गाइस, सबसे पहले सीमेंट हमला अपना कितना आया था ये देखिए गाइस, ये जो क्वांटिटी अपना आया था 450, 200, 2600, 1220, 1350, 9500, 730, 130, यही क्वांटिटी उठा के मैं यहाँ पे रखा हूँ और रेट से इंटू कर रहा हूँ। अपना सबसे पहला क्या है गाइस, सीमेंट है। अभी सीमेंट है तो सीमेंट 450 बह गए, 450 इंटू 360 किया तो अपना कितना आ जाएगा, 1,62,000 रुपया सीमेंट का। उसके बाद स्टील अपने को कितना लगने वाला है गाइस, स्टील लगा 2.6 मैट्रिक टन, 2600 kg, 2.6 मतलब मैट्रिक टन और मतलब 2600 kg, अपना 55 रुपया किलो चल रहा है स्टील, 55 रुपया किलो या 55,000 रुपया मैट्रिक टन, जो भी आप प्रॉपर पकड़ लें, तो अपना क्या हो जाएगा, 1,43,000 रुपया अपना स्टील का आ जाएगा। उसके बाद अपना सैंड आ गया गाइस, सैंड आ गया, तो सैंड के लिए अपना कितना रहेगा, 1220 रुपया क्यूबिक, 1220 क्वांटिटी आ रहा अपना क्यूबिक फीट। तो अभी बहुत सारी जगह पे गाइस अपना आता है ब्रास में आता है, कहीं टन में आता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही रेट आएगा, जैसे 4000 रुपया ब्रास हो गया या 2000 रुपया टन हो गया, तो वो हिसाब से अपना चाहे वो यूनिट चेंज हो जाता है तो रेट चेंज होता है। तो 1220 रुपया अपना क्यूबिक फीट है अपना इंटू 40 रुपया क्यूबिक फीट आ रहा है, तो अपना कितना आ जाएगा सैंड का, 48,800। ओके, उसके बाद एग्रीगेट गाइस, अभी एग्रीगेट में आ गया, एग्रीगेट अपने को कितना लग रहा है, 1350 पर क्यूबिक फीट। ओके, 1350 क्यूबिक फीट। ओके, 1000 स्क्वायर फीट के लिए तो अपना एग्रीगेट का क्या रेट चल रहा है गाइस, 35, 36, 37 पर क्यूबिक फीट का रेट है। अगर आप ऐसी ब्रास में जाएंगे तो 3500, 3600 ऐसा आएगा, तो आपके पास जो रेट्स रहेगा उस पर सिर्फ कन्वर्जन कर देने का, जो मैं यूनिट कन्वर्जन का वीडियो ला चुका हूँ वो आप देख सकते हैं गाइस। ओके, तो अपना क्या कितना खर्चा आ जाएगा, 47,250 रुपये एग्रीगेट का। उसके बाद ब्रिक्स का आ जाएगा इस, तो अपना 9.5 था, 1000 स्क्वायर फीट के लिए अपना कितना लग रहा था, 9500 ब्रिक्स, तो अभी 4 इंच का पकड़ेंगे तो 8 रुपये का मिलता है, कहीं 7 रुपये का, 6 रुपये का, और 6 इंच का लेंगे तो और महंगा हो जाएगा थोड़ा, 11.5 रुपया, 11 रुपया, 10 रुपया, तो अपना कितने का ब्रिक्स लग जाएगा इस, 8 रुपये के हिसाब से 7600। आप यहाँ पे अपना रेट रख देंगे गाइस तो आपको अपने रेट अपने इधर का कैलकुलेशन मिल जाएगा ब्रिक्स का। उसके बाद टाइल्स आ गया, टाइल्स कितना लगेगा, 730 स्क्वायर फीट लगेगा एक
एक स्क्वायर फीट टाइल्स अपने को अगर प्रॉपर लेना है, अच्छी टाइल्स लेना है, तो वो 50 रुपये की, या तो आप कहीं से भी अगर सस्ता वाला भी उठा सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप क्या हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे रेट रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना टाइल्स कितने का लगेगा। तो 36,500 का अपना टाइल्स लगेगा गाइस। उसके बाद पेंट आ गया। अभी पेंट 130 लीटर अपने को लगने वाला था गाइस, जो हमने क्वांटिटी निकाला था, तो 270 रुपया पर स्क्वायर फीट अपने को क्या लगता है, एक लीटर, जो लीटर है गाइस, 130 लीटर। अभी एक लीटर अपना कोई भी नॉर्मल पेंट पकड़ लीजिए, अल्टीमा या कोई सा भी लेंगे, तो अपना 270, 260, 280, ये हिसाब से जहाँ जहाँ वेरी करता है अपना, जहाँ जहाँ एवरी प्लेस टू प्लेस अपना वेरी करता है रेट। तो अपना 270 रुपया लीटर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा पेंट का खर्चा, 35,100। उसके बाद लास्ट जो अपना गाइस बचा, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वुड। अभी 1,000 स्क्वायर फीट है, 120 पर स्क्वायर फीट खर्चा जाता है अपना प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल वुड का, कहीं 130 भी जा सकता है गाइस, थोड़ा सा डिफर रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो अपने आपको ये प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। तो अपना कितना खर्चा आएगा इसमें, 120,000 रुपया। उसके बाद लेबर का हमने स्टार्ट में देखा ही था गाइस, 32 रुपया आ रहा था, 320 रुपया पर स्क्वायर फीट आ रहा था अपना लेबर चार्जेस, 320,000। तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया गाइस, 9,89,050 रुपीज़। आर्किटेक्ट मैंने बोला है कि आप प्रीफर करिए, कहीं पे भी आपको प्लानिंग करना है, घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट या सिविल हैं तो उनसे काम कराइए, और थोड़ा सस्ते में कराना है तो जो नया फॉर्म खुला है, नया आर्किटेक्ट आया है, वो भी बना ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप प्रॉपर ले सकते हो, उससे बना के दे देगा आपको। तो टोटल कॉस्ट अपना कितना आ जाएगा इस, 1,04,050 रुपये। तो गाइस आपको बताया था मैं, ए क्लास का एक घर बनता है, बी क्लास का बनता है, सी क्लास का बनता है, तो सी क्लास में अपना क्या आ जाता है, 800 रुपये से 1,000 रुपया। तो आपका जो छोटा घर बनाने का गाइस, उसमें कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। देखिए 1,000 स्क्वायर फीट का है तो 1,000,000 तक अपना खर्चा आ रहा है, तो प्रॉपर है। जो मैंने बोला था लास्ट टाइम वीडियो में गाइस, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, अभी ए क्लास है, ए क्लास में क्या हो जाएगा अपना 1,400 से 1,600, फिर उसके बाद यहाँ 1,000 से 1,200, 1,300। तो ऐसा मैं ए बी सी क्लास है, तो अपना ये देखिए प्रॉपर अपना थंब रूल के हिसाब से अप्रॉक्स 1,000,000 का खर्चा आ रहा है 1,000 स्क्वायर फीट का। सो गाइस जहाँ भी आपको अपना घर बनाना है, गांव में बनाना है या कहीं भी बनाना है, तो वो हिसाब से रेट आप पुट अप कीजिए, एज पर थंब रूल आपको आपका घर का खर्चा मिल जाएगा, चाहे आप इंजीनियर है या नहीं है, आप कोई भी है, आपको अपना घर बनाना है तो आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके गाइस, तो इस टाइप की वीडियोस में चैनल पे लाते रहते हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, जिसको घर बनाना है उसको शेयर कीजिए गाइस वीडियोस को, उसके बाद जो अपने फ्रेशर इंजीनियर्स है गाइस उनको शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल गाइस।